मध्य प्रदेश में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने प्रदेश के कई हिस्सों में संकट खड़ा कर दिया है। भारी बारिश के चलते कई बांधों के गेट भी खोलने पड़े हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से भोपाल पहुंचे और देर रात को आपदा कक्ष में अफसरों के साथ आपातकालीन बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्य बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश के जिलों में अति वर्षा की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां भी पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है वहां नागरिकों को जाने से रोका जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और संभावित जलमग्न क्षेत्रों में आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने मुख्य सचिव वीरा राणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में वर्षा की स्थिति पर चर्चा की और अधिक वर्षा वाले जिलों के लिए आवश्यक प्रबंध के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी वरिष्ठ अधिकारी निरंतर स्थितियों पर नजर रखें। आवश्यकता पड़ने पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवेल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी कदम उठाया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉक्टर राजेश राजौरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।